नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है आगरा यूनिवर्सिटी वालों के लिए बीए सेकंड ईयर का हिस्ट्री का आपका कौन सा हो जाता है फर्स्ट पेपर रहने वाला है। सेकंड पेपर क्या होगा आपके लिए गुड न्यूज़ इस प्रकार से हो जाती है कि जो एमसीक्यू रहने वाला है कौन सा होगा, सेकंड पेपर जो होगा एमसीक्यू रहने वाला है। तो उसका नोट्स कहाँ मिलेगा, नोट्स आपका मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थ्योरी वाइज आपको फर्स्ट पेपर चाहिए, ये भी डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स इसका भी मिल जाएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ लेना एमसीक्यू, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पर फंसने वाले हैं। तो बात करते हैं हिस्ट्री के प्रथम पेपर की ओर। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या होता है, पहली बात तो देखो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, अगर आपको तीन पेन आपके पास नहीं है तो आप क्वेश्चन पेपर में अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। तीन पेन ले जाना, पहली बात तो मैं ये बताता हूँ हर वीडियो में। पहला क्या करना है, पहला ले जाना है पतली इंक वाला काला पेन, फिर मोटी इंक वाला काला पेन जो होता है ना, जिससे क्या करते हैं जो वो भरते हैं ना एग्ज़ाम, जो आंसर शीट होती है वो भरते हैं, मोटा वाला पेन, उसके बाद नीला पेन। पतले काले पेन से क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है। मोटे काले पेन से क्या करना है, हेडिंगों को लिखना है। उसके बाद थ्योरी चाहे कुछ भी लिख देना, बना बना कर काम चल जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं, देखिए थ्योरी फिर पढ़ना पड़ेगी एक बार। देखा है मध्यकालीन भारत का राजनीतिक इतिहास हो जाता है 1526 से 1740 तक। तो प्रश्न जो दे रखा है ना यहाँ पर, इसे हम क्या लिखना है, इसे पतला काले पेन से लिखना है और हेडिंग मोटे, ये देखिएगा मोटा काला पेन देखा है, इस प्रकार से लिखना है। तो बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास क्या है, इसमें कौन कौन से आते हैं, ऐतिहासिक और साहित्यिक ग्रंथों का वर्णन है ना, ऐतिहासिक मतलब मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत ही आ जाएंगे, इनकी विशेषताएं भी आपको वर्णन करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूतों के पतन के कारण क्या थे, इनकी पराजय के कारण क्या थे, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। और याद रखा है दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण भी आपको बताना है। तो इनमें हेडिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, जो मोटे काले पेन से हम लिखेंगे, जो कॉपी चेकर होगा उससे ही नंबर देता है हेडिंग सही। आगे बढ़ते हैं बाबर की विजय, ठीक है, बाबर की विजयों के बारे में बताना है यहाँ पर, पानीपत के प्रथम युद्ध तथा द्वितीय तृतीय युद्ध के बारे में बताना है, जो 2656-71 में हुआ था है ना, 1526-1551-1761 में, तो उसके बारे में टोटल डिटेल बताना है बहुत अच्छी प्रकार से। और हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण जाती है, तो हेडिंग मत छोड़ना, ठीक है, सब कुछ छोड़ देना, थ्योरी छोड़ देना, मगर हेडिंग मत छोड़ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवाह के युद्ध के बारे में और हुमायूं के जो कठिनाइयां आई थी उसकी समस्याओं के बारे में बताना है, इसके चरित्र का मूल्यांकन भी करना है, इनके चरित्र का भी मूल्यांकन आपको करना है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अकबर की धार्मिक नीतियां कौन कौन सी थी, दीन इलाही धर्म उसने चलाया था, इसके बारे में डिटेल में समझाना है, इसमें क्या क्या था, ठीक है। और राजपूत नीति जो हो जाती है उनके परिणाम के बारे में भी आपको बताना है, अकबर की जो राजनीति नीति थी, धार्मिक नीति और राजपूत की नीति थी अकबर के अनुसार, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखा है जहांगीर के चरित्र तथा उपलब्धियों का वर्णन करना है, कि जहांगीर क्या था है ना, जहांगीर के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अब वहां पे पहले हेडिंग क्या लिखना है, पहले तो जहांगीर का जीवन परिचय देना है, जीवन पर मतलब क्या होता है, जहांगीर का जन्म कहां हुआ था है ना, किस स्थान पर हुआ था, इस प्रकार से बना बना कर लिख देना थोड़ा सा, ये तो हो जाता है, ठीक है। पहले जीवन परिचय लिखेंगे तो जीवन परिचय थोड़ा सा लाइन में चिपका देना, कम से कम एक पेज में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद थ्योरी बना बना के लिख देना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी लिख दिया हेडिंग, उसके बाद डाल दो कि ईस्ट इंडिया किस काल में आई थी, जहांगीर के शासन काल में आई थी, थ्योरी बाय सब ठोंक दो उसमें, ठीक है। तो एक बार बस थ्योरी पढ़ लेना और हेडिंग पर ज़्यादा फोकस करना। बात करते हैं शाहजहां का शासनकाल, जीवन और परिचय के बारे में बताना है, शाहजहां क्या था, इसका शासनकाल कहाँ पर रहा था है ना, बस हेडिंग की आगरा में शासनकाल हेडिंग डाल दी, उसका बता दिया, थ्योरी लिख दी, कुछ पता है कुछ नहीं भी पता है, बस इतना पता है थ्योरी में पढ़ रखी है, उसके बेस पर लिखना है तो लिखते रहो, ठीक है। बस हेडिंग मत छोड़ना, बाकी सब छोड़ देना, मैं कह रहा हूँ आपसे, हेडिंग छोड़ दी तो कुछ नहीं होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की धार्मिक नीति परिणाम और शिवाजी के परिचय और इसकी सफलताओं के बारे में भी आपको बताना है, ठीक है। आगे देखते हैं शिवाजी योद्धा के बारे में बताना है, मतलब जीवन परिचय बताना है उसका, बस ये कैसे योद्धा रहे, कौन कौन से इन्होंने जीते, तो उन युद्धों के पहले हेडिंग डाल दी जाएगा है ना, मतलब युद्ध डाल दिया, हेडिंग क्या हो जाएगी, युद्ध का नाम, बस काम खत्म हो गया। अब किस किस के बीच हुआ, बस वो याद रखना है, बाकी सब थ्योरी बना बना कर लिख दो कि इसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, कि युद्ध में ये होता है, फलाना होता है, डिंका होता है, बस चार पांच है ना लाइनें चिपका दी, हो गया पूरा पेज, काम खत्म हो गया एक ही हेडिंग में, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है, बस हेडिंग याद करना है आपके लिए। शिवाजी योद्धा क्या है, यहाँ पर देखा है प्रशासक का अद्भुत मिश्रण थे है ना, शिवाजी का अद्भुत मिश्रण थे, कैस में किस मिश्रण थे है ना, इस प्रकार से कथन की विवेचना आपको करना है, बस। आगे देखते हैं, ये सारे के सारे बुक में देख लेना एक बार, बुक में चिन्ह लगा लीजिएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, उसके बाद थ्योरी याद करना है बस।
उसके बाद बस लास्ट में क्या करना है, हेडिंग पर ही फोकस देना एक बार पढ़ने के बाद सारों के लिए। फिर देखा है तुम्हारा मुगलों का पतंग के कारण क्या थे, मुगल कालीन शासन व्यवस्था तथा शेरशाह सूरी का परिचय आपको बताना है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है शेरशाह सूरी। तो बस इतने ही क्वेश्चन है इसमें, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, बस इतने ही क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में, इतने क्वेश्चन आपने पढ़ा डाला तो समझ लो लाइव झींगा लाला, ठीक है। और क्या करना है, हेडिंग में फोकस करना है, हेडिंग पर क्या करना है भी फोकस करना है, ठीक है, एक भी हेडिंग छूटनी नहीं चाहिए, ध्यान रखना, चाहे बनाकर हेडिंग और दुगनी करनी पड़े, ठीक है। इसको देखो, देखो माइंड से निकाल सकते हो, शेरशाह सूरी का परिचय लिख दो, पहले जीवन परिचय ठोक दो, ठीक है, उसके बाद क्या करना, हाँ शेरशाह सूरी थ्योरी में पढ़ी थी, उस बेस पे एक हेडिंग डाल सकते हैं हम। तो बस माइंड से सोचा हमने, थ्योरी पढ़ रखी है, मगर हाँ माइंड में आ गई हमारी कि भाई उस प्रकार से हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, हेडिंग निकाल सकते हैं बस, और लिख सकते हैं। तो बस हेडिंग फोकस कर देना बस, ठीक है। आगे देखो, यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट, बस इतना ही क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन नहीं है इसमें, इतना ही क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन नहीं देखा है, हिस्ट्री फर्स्ट पेपर खत्म। बस इतना ध्यान से पढ़ लिया तो बहुत ही सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे राइट, ठीक है। हेडिंग पर फोकस दे लेना, और एमसीक्यू और थ्योरी वाइज नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में रखा है लिंक, वहां जाके नोट्स डाउनलोड कर लो। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत सभी के लिए।